दूसरी लहर ने देश प्रदेश में हाहाकार मचा रखा था। इस दौरान लगी कोरोना कर्फ्यू के चलते लोग घरों में बंद रहने पर मजबूर थे। साथ ही इस महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। वहीं निजी संस्थाओं द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित कराई थी। इसी के तहत आज निगम आयुक्त प्रतिभा बाल द्वारा ऐसे 6 बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना संक्रमण से शहरवासियों को पेंटिंग के माध्यम से लोगों को मास्क, वैक्सीन और सैनिटाइजेशन कराने के लिए जागरूक किया। परिजनों का कहना है कि कोरोना के चलते स्कूल बंद किए गए हैं, इस तरह की हालत किसी ने देखी नहीं है, जिसको लेकर निजी संस्था द्वारा छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें छोटे बच्चों ने कोरोना से बचाव को लेकर पेंटिंग बनाई जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। करीब 50 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें 6 बच्चे चयनित किए गए हैं जिन्हें निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा AICTSL कार्यालय पर सम्मानित किया गया। निगम आयुक्त ने कहा कि इन बच्चों ने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए उम्दा पेंटिंग बनाई जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है। साथ ही निगम आयुक्त ने अपील की है, भले ही कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है, फिर भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। एक 4 वर्षीय बालक परिजन ने बताया कि लगातार बच्चों को महज 4 वर्ष की आयु में गर्वित शर्मा ने कोरोना की जागरूकता की शानदार पेंटिंग बनाई जिसे निगम आयुक्त द्वारा पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल, बच्चों को जैसे इंदौर हमारा सफाई में नंबर 1 है, उसी तरह हमें कोविड में भी नंबर 1 आना है ना, कोविड सेफ इंदौर बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें अभी से ही बच्चों को गाइड करना पड़ेगा कि कोविड से किस तरह से बचा जा सकता है। तो डेली मैं भी अपने बच्चे को यही सिखाता था कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, वैक्सीन हमने लगाई है, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो मैं भी वैक्सीन लगाना है। तो इसी तरह से हम कोरोना से जीत पाएंगे। तो मेरी सभी इंदौर वासियों से यही है कि हमारे बच्चों को अभी से ही हमें सिखाना होगा, कोविड से जीतना है तो मास्क पहनना है और सैनिटाइजर का समय समय पर इस्तेमाल करना। कितने साल का बच्चा है ये? अभी पेंटिंग बनी है, उसमें क्या दर्शाया? ये 4 साल का बच्चा है। इसमें मैंने हमें से यही सिखाते थे कि कोविड से लड़ना है, हमें फाइट करना है पापा, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे वेपन्स हैं मास्क, सैनिटाइजर और वैक्सीनेशन, इसी से ही हम कोविड को किल कर सकते हैं। तो थैंक यू MyFM, थैंक यू bulbul.com। गर्वित शर्मा नाम है इसका। इसका नाम गर्वित शर्मा है, ये जूनियर मॉन्टेसरी सत्य साई स्कूल में पढ़ता है। अपना नाम? विनोद शर्मा मेरा नाम है, मैं इसका फादर हूँ। ओके जी, नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम था, इट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय MyFM एंड bulbul.com। आज के सिनेरियो में एक अनफॉरसीन सिचुएशंस चल रही हैं, जब हमने कभी भी इस तरह की सिचुएशन पहले कभी देखी नहीं है। सब बच्चे घर में लॉक्ड हैं, 1.5 साल से स्कूल चालू नहीं है। ऐसे में जब एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग बच्चों के अंदर जब रहती है, तब वो और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उनको प्रोत्साहित, एनकरेज करती है। तो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू प्राची सेलॉट, ओनर ऑफ bulbul.com, एंड अ बिग थैंक्स टू RJ अंजलि फ्रॉम MyFM, जिन्होंने मेरी डॉटर को इतना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने कम्फर्ट जोन के बाहर निकल के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे पेंटिंग उसने बनाई और वो फर्स्ट आई है। आई कॉन्ट टेल यू, इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एज अ मदर, बिकॉज ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे अवेयरनेस हमें समाज के लिए लानी चाहिए, और मेरी डॉटर ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई कि उन्हें कमिश्नर ने फेलिसिटेट किया। आई एम सो वेरी हैप्पी टूडे, एंड ऑल थैंक्स टू MyFM एंड bulbul.com। थैंक यू सो मच। जी देखिए, अभी जैसे अवेयरनेस MyFM पे भी क्रिएट की जा रही है, हर जगह आप देखिए रेडियो पे चल रहा है, आप लोग के TV चैनल्स पे चल रहा है, साथ ही में न्यूज़पेपर में बच्चे पढ़ते रहते हैं। जब हम लोग इनकी क्लासेस भी चल रही हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी जो टीचर है वो सिखा रही है उन्हें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये काम सोशल मीडिया, मास कम्युनिकेशन के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि गवर्नमेंट की तरफ से इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि बच्चे अपने आप एजुकेट हो जाते हैं। सुप्रिया मदान। एब्सोल्युटली, सो MyFM से मैं हूँ RJ अंजलि, और हम जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर प्रतिभा पाल मैम के साथ पे, तो उन्होंने एक ही चीज़ कंसर्न जताया था कि लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमें गाइड करना है, उन्हें समझाना है। सो वी मेड श्योर कि अभी अनलॉक नहीं हुआ है इंदौर, उस समय पर अनलॉक नहीं हुआ था इंदौर, तो हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने वर्चुअल कैनवस पेंटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में सोचा कि लेट्स डू दिस, और उसमें हमारे पास में अमेजिंग पार्टिसिपेशन आया
आया नो डाउट, और हमने शायद बहुत कम पार्टिसिपेशन सोचा था, बट बहुत ही कमाल का पार्टिसिपेशन आया. एंड इट वॉज रियली टफ कि उसमें से हम 6 विनर्स को लेकर एज अ विनर लेकर आए, बट समहाउ वी डिड इट. एंड प्राची इज द वन हु सपोर्टेड इन दिस इनिशिएटिव लाइक ऑल द वे. सो प्राची की भी बहुत सारी क्रिएटिविटी थी, शी वॉज ऑल द वे. सो व्हाट यू वांट टू से? सो हाई एवरीवन, दिस इज प्राची फ्रॉम द bulbul.com. मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और हैंड पेंटिंग का काम करती हूँ. एंड सिंस अंजलि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे इंदौर में अनलॉक हो रहा था इंदौर, एंड वी वांटेड टू डू समथिंग. सो लेट्स पेंट द सिटी कलरफुल. एंड हम लोग ऐसे एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुई वर्चुअली थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ माई FM एंड ऑफकोर्स एवरी वन हु यू नो हेल्प्ड अस थ्रू दिस. एंड इसमें हम लोगों का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है दोनों का. एंड जितने भी विनर्स हैं उनको कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स टू प्रतिभा पाल मैम फॉर द बीइंग एन इंस्पिरेशन टू अस. थैंक यू. यस बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ फिर से कुछ नया करेंगे, जब भी जो ज़रूरत होगी वो करेंगे बिल्कुल. और हम लोग आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मास्क पहने, इंदौर अभी तक तो अच्छा है, एंड विश करो कि वापस से लॉकडाउन ना लगे. प्राची बेसिकली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर FM ने एक अपना ये कोई कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो आज उन्हीं के द्वारा इनको गिफ्ट हैम्पर्स और उनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं. उन सभी को शुभकामनाएं, साथ ही सभी लोगों से अपील भी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हमेशा करें. आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं मास्क पहन के निकलें, और मास्क भली प्रकार से पहनें.